हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैनज इन द मॉन्ग बहुत ही हिस्टोरिक डे है आज बहुत इंपॉर्टेंट डे आप कह सकते हैं फॉर इंडियन फुटबॉल द नियर एंड इमिजिएट फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल एएफसी एशियन कप शुरू हो रहा है और आज इंडिया का पहला मैच है बहुत ही टफ ग्रुप है इंडिया इज इन द सेम ग्रुप एज ऑस्ट्रेलिया उजबेकिस्तान एंड सीरिया

ऑल द जो एक्सपेक्टेड लेवल था हमारा वो अचीव नहीं कर पाए बट ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम अपनी टीम को हर उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते देखें जहां पर बड़े नेशंस खेलने आ रहे हैं जहां पर हमारी टीम को एक्सपोजर मिले और एक ऐसे ग्रुप में कम्पीट करना जहां पर आपसे ऊपर लेवल की टीम खेल रही है या बैठी हुई है तो आप खुद समझ सकते हो कि आपके फुटबॉलिंग ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर आपकी ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है देखो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज को क्लियर कर देता हूं अगर कोई एशियन ये जो कप होने वाला है उसके बाद बोलता है ना कि अरे इंडिया की फुटबॉल कभी ग्रो नहीं कर पाएगी इंडिया कभी आगे नहीं जा पाएगा आई थिंक आपको कॉन्टेक्स्ट लेना बहुत जरूरी है कि आप किन टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो और उनके पास क्या फैसिलिटीज हैं उनकी टीम्स रिसेंट ईयर्स में कहाँ तक पहुंची हैं और उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो कितनी सीरियस है अपनी फुटबॉल को लेकर और हमारी गवर्निंग बॉडी कितनी सीरियस है हमारी फुटबॉल को लेकर टाइम ग्रोथ जरूर होगी इंडियन फुटबॉल में और हमारे प्लेयर्स की पर उसके लिए एक सेक्शन ऑफ ट्विटर एंड यूट्यूब मैंने देखा है कि जो बोल रहे हैं हुँ. कि ज्यादा लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसके बारे में यार मानस पता है, ये मैंने अपनी स्ट्रीम पर भी डिस्कस किया था आप ना अगर ये चीज सोचकर हाइप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्रिकेट की हाइप इतनी ज्यादा क्यों है तो क्रिकेट मैंने तब भी बोला था मैं अभी भी बोलूंगा एक ऐसा गेम है जिसमें टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है आप एक अनएजुकेटेड इंसान को भी बिठा कर क्रिकेट दिखाओगे उसको समझ आएगा कि क्या चल रहा है गेम में कि एक ओवर में छह बॉले होती हैं बॉलर बॉल डाल रहा है आके आप वो जो लाइन मार रखी है उसके बाहर बॉल डालोगे तो वाइड है इधर आपके वेस्ट साइड से ऊपर ज्यादा अगर सीधी डायरेक्ट बॉल जाएगी वो बीमर हो जाएगी नो बॉल पैर आगे गया अगर लाइन से तो नो बॉल हो जाएगी सब बहुत ईजी है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो फुटबॉल में बहुत सारी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं ऑफ साइड रूल हो गया आपका सब्सिट्यूशन हो गया आपका और सारी चीजें हो गई आपकी तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एजुकेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इस गेम को कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के बीच में आप क्रिकेट को फुटबॉल से कंपेयर नहीं कर सकते और अक्सर जब लोग फुटबॉल की बात करते हैं ना हमेशा ये बोलते हैं कि जो हाइप क्रिकेट की है जो पैसा फुट क्रिकेट में है वो सेम पैसा फुटबॉल में नहीं मिल रहा बट आप लेवल ऑफ एक्सपर्टीज देखो कि कितनी टेक्निकलिटीज तो है नहीं बट बट मेरे मेरे को तो सिर्फ यही लग रहा था कि जितना आ, ये टूर्नामेंट को हम बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डेकेट भी बोल सकते हो शायद से एक डेकेड तो पक्का मेरे हिसाब से आप दिस इज दाइस्ट लेवल जो इंडिया खेलेगा फुटबॉल में सो hmm. so, ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इट शुड बीन टोर बट बट एनी मोर इन देंस इसके बारे में बात ज्यादा होनी चाहिए बिकॉज मीडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा वो फीवर नहीं है ये टूर्नामेंट hmm. के बारे में uh, and, and ने भी एक चीज बहुत Stimak, Stimak, course, our, our manager, our coach, that, हमें बैलेंस रखनी होगी

उसने ना एक्सपेक्टेशन माइनस लोअर नहीं किया उसने एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखा है कि आप अगर हमसे चाह रहे हो कि हम ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करके फाइनल्स, फाइनल्स तक पहुंचेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आईएसएल की विंडो के बीच में हमें यहाँ पे बेसिकली टाइम दिया गया है इंटरनेशनल टूर पे जाने का और उसके बाद आप हम आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम जो हमसे ऊपर बैठी टीम है उजबेकिस्तान सेरिया और ऑस्ट्रेलिया खासकर ऑस्ट्रेलिया जो कि कंटिन्यूसली वर्ल्ड कप खेलती आ रही है लगातार आप देख रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हम किन टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं क्या हमने किसी बड़े टीम्स को इनवाइट किया है इंडिया में या हम खेलने गए हैं आउटसाइड आर कंट्री जिनको हमने फेस किया हो हम हमेशा हम 140 सौ या आउटसाइड हंड्रेड वाली टीम्स के अगेंस्ट ही वो करते हैं तो आ, यहां पर कहीं ना कहीं आपको एक चीज तो पता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी इस वक्त पे अपनी टीम से वो पॉसिबल नहीं है आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस uh, रखनी पड़ेंगी अल्टीमेटली तो मेरे हिसाब से स्टेमैक ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है क्योंकि सैफ चैंपियनशिप के बाद हम सोच रहे थे कि हम एशियन गेम्स में जा रहे हैं वहां पर हम ब्रॉन्स मेडल या सिल्वर मेडल लेकर चले आएंगे ये होगा वो होगा बट दैट इज नॉट द केस जब आपकी टीम एक दिन पहले पहुंच रही है एट्टीन आवर्स पहले अराइव कर रही है आपके वेन्यू पे तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप दैन आप इंटरनेशनल गेम्स खेले जा रहे हो लेकिन आपको नब्बे दिन का या साठ दिन तक का भी ट्रेनिंग पीरियड नहीं दिया जा रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल मेरे भाई There's one thing which I've noticed about international football, like for example, अगर इंडिया uh, जैसे FIFA World Cup होता है, brother. Hmm. FIFA World Cup में anyone and everyone जो football देखता भी नहीं है, जो ज़्यादा football का follower नहीं है, they watch the World Cup. Hmm. Okay. म, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये fever वो level का पहुँचे कि Indian football सब देखे अभी. You know like everyone watches. और कभी-कभी क्या दिक्कत हो जाती है ना कि when अगर आपके team ऐसे moment पे if if they lose badly सो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन बिकम्स अ बैड वन यू नो सो मैं सिर्फ यही होप कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट first... तो समझ आया ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन बिकॉज दिस माइट बी टूम टूडे हम लोग एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं टूडे माइट बी द फर्स्ट गेम

यार देखो सबसे पहली चीज तो ये कि जब से मैच आए थे तब से लेकर अभी तक सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है तब हमारे पास कोई ब्रांड ऑफ फुटबॉल था नहीं बेसिकली हम बस लॉन्ग बॉल अभी जरूर ये चीज़ हुआ है कि हमारा बिल्डअप थोड़ा सा बेटर हुआ है बेटर प्लेयर्स एज वेल वगैरह को अगर हम देखें तो <coughs> लेकिन ओवर डिपेंडेंसी ऑन सुनील छेत्री समथिंग दैट वी हैवेंट रिजोल्ड एज ऑफ नाउ

वो इतना पे कर रहे हैं प्लेयर्स को तो वो क्यों अपनी विंडो के बीच में जाने देंगे प्लेयर्स को राइट बट उसके साथ साथ ही हमें भी मानना पड़ेगा कि प्लेयर्स भी उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं खेल रहे अदर देन सुनील सर क्योंकि ईशान ईशान की इतनी हाई पे पिछले साल से मैंने को इतना खेलते नहीं देखा ईशान पंडिता को राइट तो कहीं ना कहीं डिफेंस में भी आप देखोगे शुभाशीष बोस वगैरह जो परफॉर्मेंस उनकी क्लब्स के लिए रहती है वो परफॉर्मेंस उनकी उस लेवल की नहीं निकल के आती इंडियन टीम के लिए तो आई थिंक प्लेयर्स नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ये बात बिल्कुल सही गई कि पहला इंप्रेशन गलत नहीं पड़ना चाहिए आ, फैन बेस पर इस टीम का कि ये टीम कुछ किसी लायक नहीं है या कुछ कर नहीं सकती बट मेरे ख्याल में जो फैन पहली बार फुटबॉल देखेगा ना इंडियन टीम को खेलते हुए वो पहली बात तो यूरोपियन फुटबॉल से कंपेयर करके देखे ना सीधी सिंपल सी बात है क्योंकि वहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है वहाँ पर जो आपको टाइम मिलता है हर एक चीज को स्टडी करने का वो हमारे फुटबॉल में है नहीं उतना दूसरी चीज जो हमने अगर आप देखो जो फुटबॉल खेली है जो पिछले चार पांच सालों में वो किन ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलिया अगर अब वही वाली बात है आप जिम में भी अगर सेम एक्सरसाइज रिपीट करते रहोगे तो आपकी बॉडी नहीं ग्रो कर सकती आप कभी भी बेटर बिल्डअप नहीं गेन कर पाओगे क्योंकि आप रिपीटेटिव सेट्स कर रहे हो वही सेम एक्सरसाइज रिपीट कर रहे हो तो इंडिया भी जब तक अपने शेल से बाहर निकलकर बड़ी टीम्स को नहीं फेस करेगी तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि उनका लेवल अभी क्या है और उनसे ऊपर बैठी टीम्स का लेवल अभी क्या है तो हमारे लिए ये टूर्नामेंट एज अ लर्निंग कर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ऑस्ट्रेलिया सीरी और उजबेकिस्तान को खेलने की जिसमें जिसमें अगर हम लेट्स से कि इन तीन में से किसी भी टीम के अगेंस्ट ड्रॉ निकाल लेते हैं रिजल्ट निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा हमारे लिए अब अभी मैं बोल रहा हूँ अचीवमेंट है आने वाले पांच साल में मैं ये बोलूंगा कि हमें हराना ही है बट उसके लिए अब से हमारी और अगले पांच साल की ग्रोथ हमें रीड करनी पड़ेगी कहाँ थे हम और कहाँ पहुंचे हैं और जैसे हम बिहाइंड सीन भी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के against, रखना हमारे लिए फाइट करना पड़ेगा हमें कल के मैच में मतलब बेसिकली आज के मैच में क्योंकि हम आज खेलने वाले हैं तो uh, क्योंकि रात में हम ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी टाइम डिफरेंस है तो अभी यहाँ पर आई जस्ट वॉन्ट टीम इंडिया एंड इगोस्ट मैच टू

इम्पॉर्टेंट है बहुत ही पेस, पेसी प्लेयर हैं सो थ्री इम्पोर्टेंट प्लेयर्स आप कह सकते हो स्टार्टर्स हमारे बिकॉज ऑफ इंजरी है टूर्नामेंट में सो so, इंडिया hmm. के लिए बहुत बड़ा ब्लो है uh, जैसे कि हमने कहा हमारा ग्रुप जो है सीरिया उजबेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत ही टफ ग्रुप है uh, छ ग्रुप्स हैं चार टीम्स ईच टॉप टू इन ऑल ग्रुप्स क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ सिक्सटीन एंड जो थर्ड प्लेस है

आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज द ब्रांड ऑफ फुटबॉल वी वी विल प्ले इन दिस कॉम्पिटिशन मोर देन द रिजल्ट आई थिंक अच्छी फुटबॉल अगर खेलती दिखेगी हमें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यह टीम कितना पिछले साल से सीख कर आई है जो हमने एशियन गेम्स में देखा था उससे कितना हमने इम्प्रूव किया क्योंकि वहाँ पर हमारी अंडर ट्वेंटी वन टीम गई थी और हमारे सिर्फ दो ही तीन प्लेयर्स थे सीनियर्स में तो मुझे ये देखना है कि सैफ चैंपियनशिप के बाद जो हमारा ब्रेक आया है उसके बाद इस कॉम्पिटिशन में आते हैं हमने कितना इंप्रूव किया या फिर हमने कितने अपने गलतियों सीखा है सही बात सही बात है सो बिफोर बी एंड टूर्नामेंट का तो जाना तो ग्रुप में हम लोग अंडर दो हफ्ते मिले का फुटबॉल एडमायर हमें एक या दो ऐसे कुछ मोमेंट मिल जाए ना ये टूर्नामेंट में टू होल्ड ऑन टू आप देखना की क्या आग लगाते हैं इंडियन सपोर्टर्स मेरे को तो अगर मजा आ जाएगा if, if, we are, I'm crying out

एंजॉय द गेम टूडे फाइव पी एम टूडे प्राइम टाइम है एंजॉय करो वॉच इट विद यंग्रिकेट का मैच नहीं है फुटबॉल का मैच है ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत बेटर फुटबॉल इंग ने होप वी गेव अ गुड फाइटर थैंक्स मच जय हिंद जय भारत एवरी वन बाय